अपनी यह 6 आदतें छोड़ो और सुख से जियो, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हम जो आज है वो हमारी आदत की वजह से है, जो भी आप हैं वो आपकी आदत की वजह से है। आप अच्छे हैं तो अच्छी आदतें हैं, बुरे हैं तो बुरी आदतें हैं। कोई चोर है तो उसकी चोर की आदतें हैं, कोई शराब पी रहा है तो शराब पीने की उसको आदत है, कोई फिट है तंदुरुस्त है तो उसको फिट रहने की आदत है, और कोई आलसी और मोटा हुआ है, बहुत मोटा है तो उसको मोटा रहने की आदत है, आलसी बन के रहने की आदत है। कोई अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो उसको पढ़ाई करने की आदत है, कोई रोज एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको रोज एक्सरसाइज करने की आदत है, कोई रोज टीवी देख रहा है तो उसने टीवी देखने की आदत उसने डाली हुई है, और कोई एक्सरसाइज करता नहीं है तो उसने एक्सरसाइज नहीं करने की आदत डाली हुई है। और फिर एक बार आदत आपने खुद को डाल दिया तो आप आदत से मजबूत हो जाते हो और आदत से मजबूर भी हो जाते हो, और आपका ब्रेन पैटर्न ऐसा बनता है कि वो आपको करने ही लगाएगा। तो कुछ आदतें हम यदि छोड़ देते हैं जो हमने अपने आप को लगाई हुई है तो अपना जीवन सुखी हो जाएगा। तो नंबर एक, पहली आदत जो है कि सब काम टाइम पे करने की आदत डालो। कुछ लोग ऐसे करते हैं टाइम पे काम करते नहीं है, तो टाइम पे ना करने की आदत छोड़ दो। कुछ बोलते हैं मैं करूंगा, वो करेंगे नहीं, ये समय पे आऊंगा, आएंगे नहीं। तो ऐसे जो लोग हैं कि जिनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, उनको भरोसा मतलब वो काम करेंगे नहीं, तो काम टाइम पे नहीं करने की आदत जो है आपको छोड़नी पड़ेगी ताकि लोगों का आपके ऊपर भरोसा होगा। होता क्या है कि जब आप कुछ भी टाइम पे करते नहीं, जो बोलते वो करते नहीं है, तो लोगों का आपके ऊपर का भरोसा निकल जाता है। और यदि आप जो बोला वो करते हैं, जैसा बोला जिस समय बोला उस समय करते हैं, तो लोगों का आपके ऊपर भरोसा आता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन आपने दिया हुआ है और आप पूरा करते हैं और वह समय पर पूरा करते हैं, तो देखो आपकी लाइफ कैसी झूम चलेगी। लोगों को आदत ऐसी रहती है कि कोई भी काम टाइम पे करेंगे नहीं, और वो आदत आपको छोड़नी ही पड़ेगी। जो बोलते हैं वो टाइम पे करेंगे नहीं, सब मतलब उनका टाइम का कोई संबंध रहता ही नहीं है। उनके लिए 9 बजे मतलब 9 नहीं रहते, उनके लिए 9 मतलब 9:30 रहते हैं। तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा, सब काम टाइम पे करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। नंबर दो, आपने आपका अपना टाइम जो है वो फालतू जो गमाते रहते हैं लोग, वो फालतू गमाना बंद करना पड़ेगा। टाइम पास करते रहते लोग टाइम पास करने की भी आदत है। लोग गपशप करते रहेंगे, चौक पे बैठेंगे शाम के समय, रात रात भर गप्पे मारते बैठेंगे, देर रात तक गप्पे मारेंगे, टीवी देखेंगे, इंटरनेट के ऊपर गेम्स खेलेंगे, लोगों के चुगली करेंगे, लोगों के बारे में ऐसा कुछ नाना जो बोलना चाहिए नहीं नहीं बोलना चाहिए वो बोलेंगे। टाइम पास मतलब जो जिसमें प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं, ऐसे काम करते रहेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे बातें हैं कि जिसमें लोग अपना टाइम गंवाते रहते हैं। कुछ नहीं रहा तो आलसी बन के सिर्फ बेड के ऊपर लेटे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे वो। तो ये जो है हमको देखना है कि जो जो टाइम आपके पास में, वो टाइम का पूरा इस्तेमाल आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप यदि आपका टाइम गमाएंगे तो आपकी आपकी ज़िंदगी भी, आपका जीवन भी ऐसा गमाया जाएगा, उसमें कुछ निकलेगा नहीं। तो आपको टाइम पास करने की जो आदत है वो आपको छोड़नी पड़ेंगे। तो कभी भी टाइम पास मत करो, टाइम का इस्तेमाल करो। नंबर तीन जो है वो लोगों को दोष देना आपको छोड़ना पड़ेगा, ये आदत छोड़नी पड़ेगी। हमको बहुत बुरी आदत यह है कि हम कुछ भी हो गया कि लोगों को दोष देते हैं, कुछ भी हो गया तो लोगों को दोष देते हैं। लोगों को दोष देके, लोगों को गलत ठहरा के कुछ भी नहीं होने वाला है। लोग उल्टा दुखी हो जाते हैं, उनके संबंध अपने खराब हो जाते हैं। तो जो भी कुछ है दोष देना बंद करो, लोगों को रॉन्ग ठहराना बंद करो, गलत ठहराना बंद करो, कुछ करने का नहीं है। आप उनको बता सकते हैं, और जब कुछ बताने का भी है तो आपको सैंडविच अप्रोच से बताना पड़ेगा। सैंडविच अप्रोच में क्या होता है, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड और बीच में मसाला डालते हैं, वैसा सैंडविच। ऊपर अच्छा बोलना, फिर नीचे भी अच्छा बोलना, और बीच में जो भी कुछ बोलना है सैंडविच अप्रोच करना पड़ेगा। दोष देना मगर छोड़ना पड़ेगा। सिखाना है सिखा सकते हैं, मगर उसने पूछा तो उसने रिक्वेस्ट डाली है तो। फिर चौथा यह है कि काम में चाल ढकल जो करने की आदत लोगों को है, कल करेंगे बाद में करेंगे, है ना, वो आपको छोड़नी पड़ेगी वो आदत। लोग है ना बहुत आलसी है, ह्यूमन बींग बहुत ही मूलतः बहुत आलसी स्वभाव का है। कल करेंगे वाला कार्यक्रम हर इंसान में है, नहीं आज नहीं कल करेंगे। लोग क्या बोलते हैं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है यारो, जीना है यहाँ परसों, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आज का दिन आज है, पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा। कल जो हुआ तो वो हो गया, कल आने वाला मालूम नहीं, आज मेरे हाथ में है, वो मैंने आज करना चाहिए। कबीर ने बोला है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
क्षण में प्रलय होगा फिर करेगा कब। तो कभी भी काम का आगे ढकलने का नहीं, उसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन की आदत, काम आगे ढकलने की आदत, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम, कल करेंगे वाली आदत। तो वो आदत छोड़नी पड़ेगी, आज का काम आज ही आपने करने का है, उसको आगे ढकलने का नहीं है। पांचवा पॉइंट है कि लोग जो है वो कभी खुश होने वाले है नहीं, तो आपकी आदत जो है कि लोगों को खुश करने की आदत वो छोड़नी पड़ेगी। क्या होता है कि लोगों को खुश करने के चक्कर में हम दुखी हो जाते हैं, हमारा एक्सप्रेशन निकल जाता है, और एक बार लोगों को मालूम हो गया कि आप उन्होंने जो बोला वो करते रहते हैं, वो आपके ऊपर और काम डालते रहेंगे और आप और दुखी दुखी होते जाते हैं। देखो, आपने कुछ भी किया तभी कुछ लोग अच्छा कहेंगे, कुछ लोग बुरा कहेंगे। आपने किसको दान भी किया तभी कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग नहीं इसने कुछ तो भी मतलब से दान किया हुआ है। तो अच्छे बोलने वाले लोग हैं और वो ज़्यादा मुँह पे आपके अच्छा बोलेंगे, और जो लोग वही लोग हो सकता है कि आप निकल गए तो वही लोग आपके पीछे बहुत बुरा भी बोलेंगे। तो लोगों को खुश करना छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या लगेगा, लोगों को मैंने खुश करना चाहिए, इसलिए कुछ भी करना है वो छोड़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है तो वो करो, लोगों की खुशी के लिए मत करो, क्योंकि आज आपने एक को खुश कर दिया वो कल और डिमांड करता है आपके ऊपर, फिर आप समझो उसको कल भी खुश करते हैं, फिर तीसरे दिन और कुछ वो मांगता है, फिर आप उसको उस दिन और खुश करेंगे, और चौथे दिन उसको आपने ना खुश कर दिया, आपने ना बोल दिया ना, तो पहले तीन दिन का क्या हुआ सब मिट्टी में चले जाता है, और चौथे दिन वो नाराज हो जाता है। तो फिर नाराजी होना है तो पहले दिन से करो ना भैया, फिर क्यों इतने दिन टोल लेके जाने का है। तो जो है वो है सीधी बात करो, और वो जो है नाइस नाइस बनना कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, तो ये आदत मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं ना नहीं बोल सकता हूँ लोगों को, और इसलिए लोगों को खुश करना है, ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। फिर छठवा जो है वो भूतकाल में रहने की जो आदत है वो छोड़ दो। अरे भूतकाल हो गया, उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, भूतकाल में जो हुआ वो हुआ, नहीं मुझे पढ़ाया नहीं, मेरा बहुत नुकसान हो गया, मेरा धंधा चला नहीं, उसने मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, मुझे भूतकाल में फेलियर बहुत आया हुआ है, अभी मैं पार्टनरशिप नहीं करूंगा, उसने मुझे मेरे नाना को ऐसा बोला, काका को ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोला, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने वैसा नहीं करना चाहिए था, मार्केट में ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी जो हो गया वो हो गया। आपका जो थिंकिंग है वो यदि प्रॉब्लम सेंटर्ड थिंकिंग है, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करने वाला थिंकिंग है, तो वही रहेगा और आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेंगे। आपका जो थिंकिंग है वो सॉल्यूशन सेंटर्ड थिंकिंग रखो, इसका सॉल्यूशन क्या है, जो भी हो गया वो भूतकाल में अतीत में हुआ है, चलो अभी मैं क्या कर सकता हूँ ताकि आगे मेरा भविष्यकाल अच्छा हो सकता है, अच्छा हो जाएगा। तो वो आप कहाँ डालेंगे कि भूतकाल में जीने का नहीं है, पास्ट इज पास्ट, वो कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। हमको क्या होता है, पास्ट के बारे में जब सुनते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, तो क्या होता है, दुख आ जाता है, निराशा आती है, हताश हो जाते हैं। तो वो छोड़ दो, पास्ट हो गया, अभी हम क्या है, अभी मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाने का, उसके बारे में बातचीत करो, उसके बारे में सोचो। तो यदि आप आदतें अपने आप में डालेंगे तो फिर बहुत ही अच्छा आपका जीवन जाएगा और आप खुश रहेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपने जो बोला वो करो, जो बोला जो समय पे बोला वो वचन का पालन करो। नंबर दो है आपका टाइम पास मत करो। नंबर तीन जो है लोगों को दोष देना जो है वो बंद करो। नंबर चार काम जो है ना आगे ढकेलना छोड़ दो, कल करेंगे वाला छोड़ देना है। नंबर पाँच लोगों को खुश करना आपने छोड़ देना है। नंबर छः भूतकाल जो है अतीत है उसमें जीने का नहीं है। तो ये छः आदतें आप यदि छोड़ देते हैं और आप इसका पालन बिल्कुल ठीक तरह से करते हैं तो आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा, बहुत मजा आ जाएंगी और जीवन जीने में खुशहाली आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।